ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शिवान है और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। अभी थोड़ा टाइम हुआ है, लिख रही हूँ। तो अगर एक लाइन में मैं अपना इंट्रो देना चाहूँ तो कहूँगी कि मैं कहानियाँ लिखती हूँ और कहानियाँ सुनाती हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है चांदनी चौक की तंग गलियों से, या कहूँ कि दिल्ली मेट्रो से। सर्दियों का मौसम था, रोज रजाई छोड़ के सुबह सुबह शादी की शॉपिंग में मसरूफियत चल रही थी। अब घर में शादी हो तो आप समझ ही सकते हो कि जब तक शादी का दिन नहीं आता तब तक मार्केट दूसरा घर बन जाता है। हर रोज, मतलब हर रोज मार्केट का चक्कर लग सा जाता है। कभी किसी काम के लिए ये मार्केट तो कभी किसी काम के लिए वो मार्केट, और इनमें दिल्ली वालों के लिए चांदनी चौक और सदर बाजार, ये दोनों बड़े कॉमन से नाम हैं। अब मेरे एक लौते भाई की शादी थी। माना मैं छोटी थी पर इतनी भी नहीं, वैसे मैं नई नई बड़ी हुई थी, मतलब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था। और कॉलेज में आते ही ना हम सब अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, ऐसा दुनिया नहीं कहती, ऐसा हम खुद कहते हैं। वैसे मोस्टली सब शॉपिंग हो ही चुकी थी, महज डेढ़ हफ्ता बचा था शादी में, और दूल्हे की बहन की अपनी ड्रेस तैयार ही नहीं थी। अजी रेडी तो छोड़िए, ड्रेस कहाँ थी ये भी नहीं मालूम था। तो आज बारी थी घर के सबसे मेन इंसान के कपड़ों की, और वो थी मैं। छोटी मोटी बात है क्या, दूल्हे की बहन हूँ। तो प्लान कुछ ऐसा था कि जाने वाले थे हम मार्केट, बस निकलने को रेडी थे, अचानक से मेरी माता श्री को कुछ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट सा काम याद आ गया और मुझे अकेले जाना पड़ा। तो अब मेट्रो में बैठे बैठे मैं अपने दिमाग को खोल रही थी, अपने इंस्टा को स्क्रॉल कर रही थी। नहीं यार, ये पैटर्न नहीं, ये फैब्रिक ना जम नहीं रहा। अरे यार, ये तो ट्रेंड में ही नहीं है, ज़्यादा फ्रिल हो जाएंगी तो कहीं मैं जोकर ना लगूं। हाँ ये कलर सही है। नहीं यार, वो लास्ट वाला ज़्यादा सही लग रहा था। हैं, ये आवाज़ किधर से आई? जैसे मैंने देखा कोई मेरी स्क्रीन में झांक रहा था। अरे तुमको तमीज़ नहीं है क्या, ऐसे किसी के फ़ोन में झांक रहे हो? अरे यार, सजेशन ही तो दिया है मैंने, मांगा तुमसे तुम्हारा सजेशन। और मैं उठ के डब्बे की तरफ, गंतव्य की तरफ जाने वाले उस पहले डब्बे में बैठ गई जो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अरे मैडम रुको, तो आ गया मेरा स्टेशन एंड आई एम इन द मार्केट। हाँ, चार दुकानें देख चुकी हूँ और ये पांचवी दुकान है। कितने लहंगे ट्राई कर चुकी हूँ उफ मैं। तभी मेरी नज़रें किसी की नज़रों से टकराई। उसकी आँखें तब एक डमी से लग रही थी। हाँ सही समझ रहे हो आप, ये वही अजीब सा लड़का था। मेट्रो तो मेट्रो, यहाँ पे और ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। बताओ कोई डमी से भी बातें करता है? उफ, लेकिन वो लहंगा ना बड़ा प्यारा था। उसके जाते ही मैंने वही लहंगा ट्राई किया और वो लग भी बड़ा खूबसूरत रहा था। तो इन सब से निपट कर अब समय आ गया शादी के दिन का। तो अपनी तो क्या ही तारीफ करूँ मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। तो बस सब शादी इंजॉय कर रहे थे और मैं फोटोज़ क्लिक करने में मशरूफ थी। तो पीछे से किसी ने कहा, अरे तुमने ये लहंगा ले लिया, तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगी? मेट्रो, मार्केट, शादी में भी आ गई, और ये लहंगा तो मैंने ना अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए पसंद किया था, तुम लेके बैठ गई। तो अभी जरा जल्दी में हूँ, बाकी की कहानी ना अगली बार सुनाऊंगी। थैंक यू।